हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर पपाया प्लांट केयर कैसे ले सकते हैं और उसको उगा कैसे सकते हैं और कुछ फर्टिलाइजर्स भी बताए हुए, तो वीडियो को अंत तक देख लेना। सबसे पहले इसको उगाना कैसे तो उस पर बात करते हैं। तो वैसे ये कटिंग से नहीं उगता है, सिर्फ सीड से उगता है, तो आपको इसे सीड से उगाना चाहिए। और अगर आप अपने मार्केट से जो पपाया लाते हैं उससे अगर उगा रहे तो आपको वो 3-4 सीड एक पॉट में लगाना है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो फिर वही पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और फिर फ्रूट बनता है। अगर आप ऐसे 2-4 प्लांट्स नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आप मार्केट में कोई भी सीड या फिर एग्रीकल्चर शॉप पे जाइए और वहाँ पे आप बोलिए कि हमें हाइब्रिड सीड्स चाहिए पपाया प्लांट के, वो आपको दे देंगे। वो एक हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है, जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो दोनों एक ही प्लांट में आते हैं, तो फिर आपको अलग से प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सीड से भी नहीं उगाना चाहते तो सिंपली नर्सरी में आप जाइए और उन्हें बोलिए कि हमें दोनों टाइप के फ्लावर्स एक ही प्लांट में चाहिए, आपको वो प्लांट दे देगा। और आपको हेल्दी प्लांट लाना है और वही प्लांट आपको मिट्टी या फिर अपने पॉट में लगाना है। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी है रेतीली मिट्टी और उसमें आपको अच्छी खाद मिलानी है। वो मिट्टी पपाया प्लांट के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। इसको फंगस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फंगस के लिए आप नीम खल यूज़ कर सकते हैं, आप राख यूज़ कर सकते हैं। दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, उसमें जो वीडियो में बताया है उसी तरह आप अपने प्लांट पर वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो फिर अपने केमिकल जो फंजीसाइड्स होते हैं वो आप अपने प्लांट को डाल सकते हैं। पर जनरली जो फंगस लगता है वो ऑर्गेनिक से ही मर जाता है, इसलिए फिर आप ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए। मैं आपको वाटरिंग बता देता हूँ। तो इस प्लांट को वाटरिंग बहुत पसंद होती है, तो आपको इसे वाटरिंग रेगुलर रखनी है, पर ऐसा नहीं आप इसको ओवर वाटरिंग कर दे, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिए। ऐसे पत्ते आप देख रहे वैसे पीले पड़ते ओवर वाटरिंग से और इसके पत्तियाँ झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब मिट्टी में आपको मॉइस्चर नहीं है तब इसको पानी डाल देना है। इस प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद होती है, तो आपको इसे फुल सनलाइट एरिया में ही लगाना चाहिए, या फिर अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो अपने पॉट को सनलाइट एरिया में ही रखिए। अब मैं आपको कंपोस्टिंग पे बता देता हूँ। तो ये प्लांट बहुत हैवी फीडर होता है, तो इसको आपको कंपोस्ट डालते रहना चाहिए। और कंपोस्ट के लिए आप सूखे गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं और जाइम फर्टिलाइज़र। और अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में और ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगा। प्लांट पॉट में लगा रखे तो उसके लिए सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, उसके भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूँगा। अगर आप मेरी तरह ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते होंगे तो आपको ये फर्टिलाइज़र यूज़ करनी चाहिए, और अगर आप केमिकल यूज़ करते होंगे तो आपको 19-19-19 का एनपीके यूज़ करना चाहिए और 30-30-30 का एनपीके भी यूज़ कर सकते हैं। और जब इसको फूल आते तब आपको इसको 0-56-32 का एनपीके यूज़ करना है। इसे पेस्ट अटैक भी बहुत होते हैं, तो पेस्टिसाइड के लिए आप इसे नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें 10 पेस्टिसाइड बताया, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अगर आप केमिकल यूज़ करते होंगे तो केमिकल में जो भी पेस्टिसाइड आते होंगे वो आप, अगर आपने मेरा वो नीम ऑयल का वीडियो नहीं देखा तो लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप अपने घर पर वो बना सकते हैं और अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। और केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक, आपके प्लांट पर आपको 15 दिन में से एक बार ज़रूर स्प्रे करना है। इस प्लांट को छटाई कटाई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको बहुत कम करना है, जब ज़रूरत पड़े तभी करना है, पर पिंचिंग या फिर आपको ऊपर से प्रूनिंग इसको बिल्कुल नहीं करनी है, तो वो आप अवॉइड। अब इस प्लांट को कौन से डिसीज लगते हैं उस पर आपको बता देता हूँ। तो इसको लीफ माइनर डिसीज लगता है, पूरे पत्ते इसके मरोड़ या फिर सिकुड़ जाते हैं, तो उसके लिए आपको कॉपर सल्फेट यूज़ करना चाहिए, वो भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा ही लीफ माइनर डिसीज लगा हुआ है तो आपको उस प्लांट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, या अगर आप वो उसे फेंकना नहीं चाहते तो फिर आप उसके पूरे पत्ते कट कर दीजिए और उस पर जैसे कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर दीजिए, और फिर अगर वो उग रहा होगा तो ये रखिए, अगर वो न्यू ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो आप उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए। आप जो पत्तियाँ या फिर ब्रांचेस अपने प्लांट से जो काटेंगे वो आपको किसी भी हेल्दी प्लांट या फिर अपने गार्डन में नहीं डालना है, बिल्कुल आपको कचरे में या फिर कहीं भी जहाँ प्लांट्स नहीं है वहाँ मिट्टी में आपको उसे दबा देना है। और एक डिसीज लगता है इसे पीले पत्तों वाला, तो अगर आप देखते हैं तो अपने प्लांट पर स्प्रे कर देना चाहिए आपको पेस्टिसाइड। और वैसे अक्सर तो जो रहता है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से आता है, पर वो ओवर वाटरिंग के वजह से भी आता है पीलापन आपके पत्तों को, तो आपको ओवर वाटरिंग और अपने न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपका पौधा पॉट में लगा है तो उसके लिए केयर टिप्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले केयर टिप है सनलाइट, आपको इसे फुल सन में रखना है और इसका पॉट बड़ा रखना है, और मिट्टी आपको इसकी बिल्कुल सैंडी सॉइल रखनी है, और कंपोस्ट आपको 15 दिन में से एक बार डालते रहना है, और पेस्टिसाइड भी आपको 1 महीने में से या फिर 15 दिन में से स्प्रे करते रहना है। और अगर फंगस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए नीम खली या फिर राख आपको इस्तेमाल करना है।
और इस पे आपको वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि पॉट में ड्रेनेज होल से पानी निकलता है और ज़मीन में वो ज़मीन में ही चला जाता है पानी, इसलिए पॉट में आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो इसे वाइट फंगस या फिर एल्गी या फिर मॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। जब इसके प्लांट का फ्रूट पूरा पक जाता है या फिर मैच्योर हो जाता है तभी फिर आपको इसे हार्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी आप अपने प्लांट में ज़मीन या फिर पॉट में लगाते अपनी सीडलिंग या फिर आप नर्सरी से कोई भी पौधा लाते तो आपको पूरा ज़मीन में नहीं लगाना है, जैसे ही वो अपने मिट्टी के साथ रहता है उतने हाइट में आपको लगाना है, और अगर आप ज़्यादा डीप में लगा देंगे तो वो आपका पौधा खराब हो सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।